कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। अब अगले साल तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा और तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, और फिर हम दोनों की शादी। कपड़े आपको संभालिए जीजा जी। अरे जब से तुम्हें देखा है ना, संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अगर तू देहरादून वापस जाने की सोच रही है ना, तो भूल जा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दे रही। तुम्हारे इस घर में मौजूदगी मेरी बर्बादी का कारण बन सकता है, कभी भी ये राज खुल सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके देहरादून चली जाओ। एक मिनट वैष्णवी, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? कितनी बार बताओ दीदी मैं देहरादून जा रही हूँ, और मैं कितनी बार तुझसे यही सवाल पूछूं कि आखिर तुझे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों छोड़कर जाना चाहती है हमें? दीदी मुझे रोको मत प्लीज। पगली, लोग अपनों से मिलने के लिए सारा काम छोड़कर भागे घर चले आते हैं, और तू अपनी दीदी को छोड़कर जाना चाहती है? दीदी मुझे सुकून चाहिए, सुकून। वाह, बहुत बड़ी हो गई है, सुकून चाहिए तो सुकून तो अपनों के बीच ही मिलता है ना, उसकी तलाश बाहर क्यों? देख वैष्णवी, मेरे अलावा तेरे जीजू है यहाँ, विवेक तेरा प्यार है, सब कुछ यहाँ है। और रही बात लड़ाई झगड़े की, तो मैं विवेक से बात कर लूंगी, वो तुझसे माफी मांग लेगा। अब तो मत जा मेरी माँ। दीदी लड़ाई भी तो है ना मेरी। हाँ हाँ जानती हूँ, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन कितने दिनों से तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू वहां जाएगी तेरी देखभाल कौन करेगा बता मुझे? जब तू ठीक हो जाएगी ना तो चली जाना, मैं हमेशा के लिए रहने को नहीं कह रही हूं तुझे। दीदी मुझे रोको मत प्लीज। अच्छा ठीक है, जाना चाहती है ना तो अभी जा, लेकिन याद रखना जब तू वापस लौट कर आएगी ना तो मेरी अर्थी के फूल भी नहीं मिलेंगे तुझे। नहीं दीदी नहीं, आखिर तुम्हारे अलावा मेरे दुनिया में है ही कौन? वैष्णवी, क्या हुआ विवेक? वैष्णवी मां बनने वाली है। She's pregnant. डॉक्टर की नजर से कुछ नहीं छुप सकता। कुछ नहीं छुप सकता, लेकिन तुमने छुपाने की कोशिश की है। क्या कह रही हैं बेबी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई। क्या? यही कि तुमने मेरी मासूम सी बहन को भैला फुसला कर ये गुनाह तुमने किया है। दीदी क्या बकवास कर रही हैं आप? ये बकवास नहीं है, तुमने अपनी मीठी मीठी बातों में इसे उलझाया होगा और ये बेवकूफ उलझ गई, और नतीजा ये है। क्या क्या ये मैंने किया है? तो क्या ये झूठ है कि तुम इस बच्चे के बाप नहीं हो? हाँ बोलो। हाँ झूठ है ये। हाँ ये सच है दीदी, बच्चे का बाप विवेक नहीं कोई और है, और उसका नाम, हाँ हाँ बता क्या है उसका नाम? उसका नाम विवेक नहीं है और किस नहीं, तो फिर क्या है उसका नाम जिसने तेरे साथ ये सब कुछ किया? बताना मुझे, मेरे साथ बलात्कार हुआ है। मेरे जिस्म को किसी ने चील की तरह नोच लिया है। दिपेश, दिपेश तुमने सुना इसने क्या कहा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे ये सब हो गया? अरे अब समझने को रह क्या गया है, वैष्णवी के साथ बलात्कार हुआ है। मेरी जान बताना, बताना वो आदमी कौन है? देख मैं तेरी बड़ी बहन हूं ना, बताना मुझे।
देख, अगर तू खामोश रहेगी तो उस गुनेगार के चेहरे पे पर्दा डालेगी, पर ना मैं तेरे हाथ जोड़ती नहीं जाती। क्यों? उसके चेहरे पे नकाब था नकाब। वैष्णवी, वैष्णवी मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी कोख में जिसका अंश है, अगर तुम मुझसे कोई भी रिश्ता रखना चाहती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगा। वैष्णवी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। खामोश हो जाओ विवेक, भगवान के लिए खामोश हो जाओ। पवित्रता को घर की लक्ष्मी कभी नहीं बनाया जा सकता। ऐसा मत कहो वैष्णवी। देखो वैष्णवी, मैं तुम्हारे इस मासूम बच्चे को समाज में इज्जत दिलाना चाहता हूँ। नहीं विवेक, नहीं। लेकिन क्यों? दिल एक ऐसा नाजुक शीशा है जो एक बार टूट गया तो उसे फिर भी जोड़ा जा सकता है, मगर औरत की इज्जत का शीशा अगर एक बार टूट गया तो उसे कभी नहीं जोड़ा जा सकता। उसे तो कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। मैं नहीं पागल हूं। मेरी बात मानो वैष्णवी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो विवेक, दूर चले जाओ मेरी जिंदगी से। मैं तुम्हारी खुशहाल जिंदगी को अपनी मरहूस परछाई से दूर रखना चाहती हूं, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं आता वैष्णवी के साथ बलात्कार किया किसने और कहां किया? आखिर वो वैष्णवी तो है कौन? अगर वो मेरे सामने आ जाए ना, मैं तो उसका खून पी जाऊंगी। अगर जस्ट अरे मीनाक्षी, उसका पता तो चलना चाहिए था पहले। ये काम मैंने आपको सौंपा है, आपको पता लगाना है ये सब। मुझे तो वो कुछ पता ही नहीं रही है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, वो मुझे भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, बस अब आप कुछ भी कीजिए, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, किसी भी कीमत पर उस आदमी का पता लगाना जरूरी है। अरे क्या पागलपन की बातें कर रही हो तुम? कभी शरीफ और इज्जतदार घराने की औरतें थाने जाती हैं? अरे तुम भी तो कमाल करती हो। क्या करें दिपेश? क्या करें हम? वैष्णवी धैर्य से काम लो, अपने आप को संभालो और देखो, सच माने में अगर तुम मेरी बात मानती हो तो ये बच्चा गिरवा दो, गिरवा दो। हाँ हाँ, शायद शायद यही ठीक होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। देखो तुम उसे इस बात के लिए राजी कर लो, तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, इनकार नहीं करेगी बेचारी। भाई और बहन, हाँ तो ये बच्चा गिरा दे, ये हत्या है, ये पाप है। बिन ब्याही मां बनने का मतलब जानती है तू? पाप के बच्चे को जन्म देगी तो पाप की भागीदारी बनेगी तू। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? पापी तो वो है जो पाप करके मुंह छुपा गया, इसमें इस निर्दोष इस मासूम का क्या कसूर? अरे तुझे समाज में रहना है कि नहीं? हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, समझी? तो ये समाज ऐसे पापियों को जन्म क्यों देता है? मेरी जान, ये दुनिया बहुत बुरी है। लोग जो सामने देखते हैं ना, उसी को पाप की गठरी समझ लेते हैं, समझे? अगर ये दुनिया, ये समाज इतना बहरा है, इतना अंधा है, तो मुझे इसकी परवाह नहीं। ये मत भूल कि एक बलात्कारी का खून है। लेकिन अब इसमें मेरा भी खून शामिल हो चुका है और मैं अपने खून को पानी की तरह नहीं बहा सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है।
बच्चा तो तुझे गिराना ही पड़ेगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। सॉरी, एवोशन नॉट पॉसिबल। क्यों डॉक्टर? वैष्णवी की जान को खतरा हो सकता है। मेरी बात मानो तो बच्चे को इस दुनिया में आने से मत रोको। लेकिन डॉक्टर, कोई और रास्ता तो होगा। I'm sorry. चलो। जब कोई औरत माता का रूप धारण करके अपने बच्चे को अपनी कोख में पालती है तो पूरा परिवार खुशियों से महक उठता है। बच्चे पर प्यार लुटाने की चाहत में परिवार का हर सदस्य उतावला रहता है, मगर वैष्णवी उसकी कोख में नफरत का बीज पल रहा है। कितना बदनसीब है ये बच्चा जो इस दुनिया में आने से पहले ही नफरत का पात्र बन चुका है। देखते ही देखते 9 महीने पूरे हो गए और वैष्णवी की डिलीवरी का समय नजदीक आ पहुंचा। ले, बादाम का हलवा खा, तुझे पसंद है ना? क्या बात है दीदी, आज बड़े प्यार से वैष्णवी को खिला रही है। ये कोई नई बात थोड़ी है, माँ बाप की मौत के बाद मैंने इसे एक बच्चे की तरह ही तो पाला है। ये मेरा छोटा सा बच्चा है। हाँ, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन मेरे लिए तो रहेगी बच्ची ना। अगर ये बात है दीदी तो फिर मैं भी आपका बच्चा ही हुआ। मुझे भी मिठाई खिलाओ ना। अगले तू तो बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया है। दीदी मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, अगर आपकी बहन आ कर दे। दीदी अब तुम ही समझाओ ना इन्हें कि मैं अब इनके लायक नहीं रही। नहीं वैष्णवी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो जानबूझकर तो नहीं हुआ, ये सब अनजाने में हुआ है। मगर इसकी सजा तुम्हें और मुझे क्यों? आखिर मेरी सजा अपने हिस्से में बांटकर उसे भुगतने का अधिकार नहीं है तुम्हें? देखो वैष्णवी, इस बच्चे को जन्म देने के बाद तुम्हें बार बार इस बच्चे के बाप के नाम की जरूरत पड़ेगी, तब तुम क्या करोगे? ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। यहां जितने मुंह है उतनी ही जबान है, कितने लोगों का मुंह बंद करोगी तुम? और मैं चाहता हूं कि मैं इस बच्चे को बाप का नाम दूं, ताकि तुम सर उठाकर जी सको, फख्र से जी सको। आखिर क्यों कर रहे हो मेरे लिए तुम ये सब? अपने प्यार की खातिर, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और दुनिया में सबसे उत्तम चीज प्यार है। हाँ वैष्णवी, विवेक ठीक कह रहा है। देख, ये इंसान नहीं, तेरे लिए एक फरिश्ता है, मान जा। नहीं दीदी, इस जन्म में अगर मैं इंसान ही बन जाऊंगा तो यही बहुत बड़ी बात है। वैष्णवी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और इसे हर हालत में कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ विवेक। वैष्णवी देखो, कोई जबरदस्ती पराया खेत जोत ले तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि ये जमीन उसकी है। तुम आज भी पवित्र हो, बहुत पवित्र हो। क्या हुआ विवेक? क्या हुआ वैष्णवी? देखिए, ऑपरेशन करना होगा, केस कॉम्प्लिकेटेड है। डॉक्टर, क्या ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है? जी हाँ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप इस पेपर्स पर साइन कर दीजिए। जी जल्दी डॉक्टर, मुझे ऑपरेशन की तैयारी करनी है। जी डॉक्टर, वैष्णवी ठीक तो हो जाएगी ना? दीपेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत बुरा हुआ।
बच्चे को बचा लिया है, मगर मगर क्या डॉक्टर? मगर हम माँ को नहीं बचा सके। I'm sorry. वैशु, सारी चीजें याद से रख ले, वरना वहां जाके पछताएगी, फिर दीदी को याद करेगी। और देख, वहां जाकर मन लगाकर पढ़ाई करना, यहां वहां ध्यान मत लगाना। क्या? मेरी दीदी जिंदाबाद। जब आप हो तो मुझे किस बात की चिंता? अच्छा, मगर दीदी ये 3 साल निकलेंगे कैसे, मेरे बिना या विवेक के बिना? ओफो, विवेक भी तो तुम्हारे ही बात है ना। हाँ, लेकिन है तो वो तेरा प्रेमी। तू तो शादी करके चली जाएगी, फिर कहाँ की बहन, कहाँ की दीदी। दीदी, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा प्यार निछावर है, क्योंकि तुम मेरी बड़ी बहन ही नहीं, मेरी सब कुछ हो। माँ, बाप, भाई, मैंने किसी को भी तो नहीं देखा, सिर्फ तुम्हें ही देखा है, सिर्फ तुम्हें। बस बस, अब दिल भारी मत कर। तू ले बादाम का हलवा खा, तुझे बहुत पसंद है ना, ले। वहां ये सब खाने को कहां मिलेगा? खा ले, खा ले। बस बस, ज्यादा मत खा, मुझे तेरी आदत मालूम है। सारी रात पेट में दर्द होगा और सुबह हुक्के की तरह गुड़गुड़ाएगा। जितना खिला सकती हो खिला लो, फिर क्या पता मैं जिंदा लौट कर आऊंगी। चुप, दोबारा ऐसी मनुष्य बात अपने मुंह से निकाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने मुझे मारा, आपने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा है, तो फिर मरने की बात क्यों की तूने? हाँ, बहुत जोर से लगा क्या? ले, तू भी मुझे मार ले, मार ले। लेकिन प्लीज वैशु, प्लीज दोबारा मरने की बात मत करना, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। अगली, मैं तेरी बड़ी बहन हूं ना, इस दुनिया में मैं तुझसे पहले आई थी और जाऊंगी भी तुझसे पहले, समझी तू? दीदी, तुम्हारे ऐसी बातें मत करना। तू क्यों वैशु, क्यों छोड़ के चले गए वैशु? मेरी जान क्यों, मेरी जान क्यों? नहीं ना वैशु, क्यों छोड़ के चले गए अपनी बहन को वैशु? मेरा क्या कसूर था, मेरे बच्चे मेरा क्या कसूर था? मुझे क्यों छोड़ के चली गई, क्यों दगा दिया तूने मुझे? तू तो मेरे बिना नहीं जी सकती थी ना, मैं भी तेरे बिना कैसे जीऊँ? आप बताओ मुझे, बता ना। नहीं, मैं नहीं ना। वैष्णवी, क्या बात है, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। पता है, मुझे देहरादून के कॉलेज में एडमिशन मिल गई है। रियली? Yeah. ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी किस्मत वाली हो तुम। मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। जानते हो विवेक,
ये सब मेरी दीदी की कोशिशों का नतीजा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, वरना दूंगी कॉलेज में एडमिशन मिलना इम्पॉसिबल। लोगों के पैर घिस जाते हैं एडमिशन के लिए, पर उन्हें एडमिशन नहीं मिलता। हाँ वैष्णवी, ये बात तो। डॉक्टर, अगर सिगरेट पीते हो ये बहुत बुरी बात है। अरे वैष्णवी, अभी डॉक्टर कहाँ बना हूँ, अभी डॉक्टर बनने में तो 3 साल बाकी है। पर इसी तरह सिगरेट पीते रहे तो बन चुके डॉक्टर। क्यों, तुमको शक है मैं डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ? तुम और डॉक्टर, कंपाउंडर बन जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा कंपाउंडर बन जाओ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, तुम्हें अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ, रुको तुम। चलिए, I'm sorry. सॉरी कहने से बात खत्म हो गई क्या? कितनी बार कहा है सिगरेट पीना छोड़ दो, कैंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने मैं तुम्हारे सामने तो मर जाऊंगा। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी चिता को आप कौन लगाएगा? मुझे क्या पता था वैष्णवी कि जो बात तुमने बातों बातों में कही थी उसे एक दिन मरकर तुम सच बना दोगी। चलो उठो, अंतिम संस्कार की तैयारी भी करनी है और चिता में अग्नि भी तुम्हें ही देनी है। उठो उठो विवेक, मैं अपने इन हाथों से वैष्णवी को कैसे अग्नि के सपोर्ट कर दूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे पागल मत बनो विवेक, भगवान की मर्जी के आगे किसका दखल है? हाँ, उसकी बनाई तकदीर के आगे अगर तकदीर मेरे साथ होती ना तो दीपेश में तुम्हें दिखा था, उस घटिया इंसान को मैं जान से मार डालता। चलो उठो विवेक, देर हो रही है। मेरी बातों को न समझो तुम, मजा